ये देखिए, रात के 2:30 बज चुके हैं और अभी भी स्काउट हट में गेट खुला हुआ है। देखते हैं अंदर क्या चल रहा है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी कुछ लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, कुछ उधर सो भी रहे हैं। रात को 2:30 बजे भी अभी तक अपने काम में लगे हुए हैं परीक्षार्थी। इधर भी एक दरवाजा खुला हुआ है, इधर देखते हैं क्या है। यहाँ का नज़ारा भी अगर आप देखें तो कुछ लोग अभी भी अपने काम में व्यस्त हैं। रात के 2:30 बजे भी पूछते हैं इनसे, ये क्या काम कर रहे हैं सर? इतनी रात हो गई है, आप अभी तक ये क्या कर रहे हो अभी तक आप? असाइनमेंट मिला हुआ है हमें, और असाइनमेंट को तो कंप्लीट करना है, नहीं करेंगे तो हमारे नहीं मार्क्स काट दिए जाएंगे। नहीं तो फिर आप इतनी रात तक कर रहे हो, दिन में क्यों नहीं किया आपने सर? दिन भर में इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि हमें असाइनमेंट लिखने का समय नहीं मिलता है। जो तो आप समय रात हमें को कर रहे हो? हाँ जो समय हमें मिलता है वो सिर्फ रात का ही है हमारे पास, क्योंकि दिन भर हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी इतनी रहती है कि हम मैंने असाइनमेंट या लिखने का काम नहीं कर सकते, ठीक इसलिए है, हम जो तो भी ये जो लोग सो रहे हैं ये सुबह जल्दी उठकर करेंगे काम ये अपना। सब थके हारे लोग हैं जो दिन भर एक्टिविटी के थक गए हैं, हाँ, इसलिए आराम कर रहे हैं। या तो हो सकता है 5-10 मिनट का रेस्ट करके फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, या तो थैंक यू सर, फिर थैंक हाँ यू। ओके। ओके, इधर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं सर हेलो अभी। हाँ, हेलो हेलो, थैंक यू। आप इतनी रात तक सर जाग रहे हो, रात के 2:30 बज रहे हैं, ऐसा क्या काम है जो अभी तक आप कर रहे हो रात को 2:30 बजे तक भी? सर, ये एक जुनून है, पता नहीं हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके आदेश हैं, और हमें जो असाइनमेंट हमें दिए जाते हैं वो हमें पूरे करने होते हैं। दिन में हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, फिजिकल वर्क होता है, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, हम उन प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं, और लिखने का जो जो भी सेशन होते हैं उन सेशन को हमें फिर नोट करना होता है, फिर ये फाइल हमें सबमिट करानी होती है। अगर हम ये तो फाइल सबमिट नहीं कराते हैं तो हमारे मार्क्स काट दिए जाते हैं, और हम ये जो भी कर रहे हैं वो सब बच्चों के लिए कर रहे हैं। राकेश जी आप भी बताइए, अभी अभी हाँ ठीक है राकेश सर जी ने जी, सर जी अब आपकी आंखों में देखिए, अभी मैं महसूस कर सकता हूं कि नींद आ रही है आपको, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, तो आप क्यों लगे हुए हैं इस काम में अभी तक? सर कल भी हम 2 बजे सोए थे और आज भी, क्योंकि दिन में तो काफ़ी सेशंस चलते हैं, प्रैक्टिस होती है, और जो पूरे दिन भर का जो काम होता है, होमवर्क होता है, वो हमें अब रात को ही करना पड़ता है, रात को समय मिलता है, ताकि नहीं तो नेक्स्ट डे फिर पेंडिंग हो जाएगा काम और वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बार मैं आपकी नोटबुक देख लूं। हाँ जी सर देख ये देखिए सर। अरे अरे वाह साहब। और एक बात और बताना चाहेंगे, जी जी सर जी, जब तक हम लोग नहीं सोते हैं हमारे इंस्ट्रक्टर भी जो है वो आते रहते हैं चेक करने के लिए कि अभी तक लाइट क्यों जली हुई है। तो अभी अभी आपने नोटिस हाँ। जब किया मैं अंदर आया तो मुझे कुछ लोग मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी भी बच्चे शायद काम कर रहे होंगे, आप एक बार देख और कर आओ। तो मैं अंदर अभी आपने देखा बिमल सर भी आए हुए हैं, आप उनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं। जी, थैंक यू सर। सर ओके, ये हमारी हट है, हमारे इंस्ट्रक्चर की। यहाँ पे हमारे जो तीनों इंस्ट्रक्टर हैं इनमें से कोई ना कोई रहता है, तो यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है। चलिए देखते हैं ये आवाज़ कैसे आ रही है, क्या चल। गुड मॉर्निंग सर। गवर्नर ने उसको आप गए थे वहाँ? नहीं वहाँ पे थे ना, उसमें राजभवन में था मैं, मेरे सामने उनको सरदारी को दिया गया वहाँ पे। ऐसा हो ना तो ऐसे वर्कर भी पड़ते हैं। बता हुआ है बता आएंगे आएंगे सर। जैसे भी हम तो मैं आपको 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 क्या करना है मालूम है? आपको अगर हमको बुलाना है ना तो आपकी 23 नवंबर
सुबह 6:10 हो चुके हैं, 6:10 और अब हम दोबारा से जहां हमने कल रात को काम बंद किया था, ये हाँ यहाँ पर हम हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहां पर हमारा अब काम शुरू हो चुका है। तो हम मेरे साथी अभी हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, आज अभी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे सुबह सुबह और 10 बजे से पहले पहले बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट हमारे विमल सर के नेतृत्व में देखने को मिलेंगे आपको। देखना, हम धूम मचा देंगे, झकास प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक यू।